गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज के हमारे फिजिक्स प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर बाय द वन पिन मेथड, यानी कि एक पिन विधि द्वारा हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले ये देखें इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी एपरेटस रिक्वायर्ड क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक कॉनकेव मिरर, ये देख सकते हैं ये एक कॉनकेव मिरर है ना, यानी कि अवतल दर्पण। इसकी पहचान ये होती है, इस पे जब आप हाथ फेर के देखेंगे तो ये अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है, जैसे चम्मच का जो सिरा जिसमें हम खाना लेकर खाते हैं वो दबा हुआ रहता है ना, उसकी तरह ये दबा हुआ होता है। ठीक है, एक ऑप्टिकल बेंच की आवश्यकता होती है हमको, ये ऑप्टिकल बेंच है। एक ऑब्जेक्ट पिन की ज़रूरत होगी, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पिन की, एक पिन स्टैंड और जिसमें अपन पिन को अपन लगा सकते हैं, और यहाँ पे स्क्रू रहता है, इससे अपन इसको लूज़ या टाइट कर सकते हैं, इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिरर स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम मिरर को फिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक मिरर स्टैंड है जिसके अंदर अपन मिरर को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है। जब हम पिन को मिरर के पास में रखते हैं, अच्छा पहले मिरर की जो ये हाइट है, मतलब जो पिन की टिप है उसको आप इसके सेंटर पे, यानी जो मिरर है यानी दर्पण, उसके सेंटर यानी केंद्र पर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम देखते हैं तो देखिए अभी इस समय पिन का कैसा इमेज बन रहा है, पिन की एकदम सीधी इमेज बन रही है। ठीक है, जब हम जैसे ही इसको पीछे ले जाते जाते हैं इसकी इमेज क्या होती जाती है, इन्वर्टेड होती जाती है। ठीक है, मतलब जैसे आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रहती है, वक्ता त्रिज्या से पीछे ले जाते हैं तो ये इन्वर्टेड हो जाता है ना। पहले शुरू में क्या होता है, पहले शुरू में ये इमेज बड़ी होना चालू होती है और फिर इन्वर्टेड हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो मिरर स्टैंड है उसको हमने कहाँ पर सेट कर लिया है, हमने 2 पर रख लिया है। यहाँ पर एक स्केल बनी हुई है, यहाँ पर एक स्केल बनी रहती है जिस पर निशान होते हैं, जैसे स्केल रहती है। ठीक है, तो उस पर स्केल्स पे अपन ने क्या करा है, 2 पर इस मिरर स्टैंड को फिक्स कर लिया है। अब हम देखते हैं पिन अभी पास में रखी हुई है मिरर के, तो उसमें उसकी सीधी इमेज बन रही है। अब हम इसको मिरर से दूर की तरफ लाते हैं धीरे धीरे, तो हम देख रहे हैं पिन की जो इमेज है मिरर में वो बड़ी होती जा रही है, और जैसे ही इसको अपन सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे यानी वक्रता त्रिज्या पे, ये इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। अब देख सकते हैं आप ये इमेज इन्वर्टेड होने लगी, पर अभी क्लियर नहीं है, धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है ये इमेज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो पिनों की नोक है वो पिनों की नोक एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, यही वो पोजीशन है जिसमें हमें रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पर जो निशान बना हुआ है यहाँ से हमें रीडिंग लेनी रहती है। तो मिरर हमारा अभी रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर, यह मिरर की पोजीशन है, इसको हम मानते हैं ए। और ये जो ऑब्जेक्ट पिन है ये रखी हुई है पोजीशन पे, ये लगभग इसकी रीडिंग है 42.1। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि ये जो हमारे पास ए और बी मिल गई है ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए, इनसे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल यानी कि अवलोकन सारणी तैयार की है। ठीक है, इसमें जो पहला वाला है ये है दर्पण की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ मिरर, इसको अपन ए से दिखा रहे हैं। तो ये देखिए 2.0 पे रखा हुआ है ना, इसको अपन ने 2.0 लिखा। फिर पोजीशन ऑफ पिन यानी पिन की स्थिति, ये 42.1 सेंटीमीटर पर है इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे 42.1 लिखा है। फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो इन दोनों को माइनस करके निकलेगी, 42.1 में से 2.0
2.0 माइनस कर लिया तो ये 40.1 आया। और फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है, तो यहाँ पर 40.1 था, उसको हाफ किया तो ये आएगा 20.5 लगभग, अपन ने 20 लिख दिया है ना। इसी तरह से मिरर की पोजीशन यानी दर्पण की स्थिति सेम रखते हुए अपन पिन की अलग अलग पोजीशन लेंगे। चार बार अपन ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये चार रीडिंग और चार फोकल लेंथ मिल गई है। फिर इन सबको जोड़कर 4 से अपन ने डिवाइड कर दिया तो हमें एक मीन फोकल लेंथ मिल गई यानी कि औसत फोकस दूरी मिल गई है ना, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है।